मशीन गलत है, मशीन गलत है, मशीन गलत है। क्या कर रहा है? सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता समझो बताओ। राम राम साहब, तो स्वागत है आप सभी का बावले चोरों की डेली व्लॉगिंग्स पे। तो भैया सुबह की 5:30 हमेशा उठ चुके हैं, अब नहाने जा रहे हैं, उसके बाद घूमने जाएंगे। अब आज क्या क्या करते हैं आपको बताते हैं, मगर नींद बहुत आ रही है आज। हाँ, आजकल नींद बहुत आती है, ठंड में घनी नींद आ रही है, बिस्तर से बाहर ही निकलने का मन नहीं करता। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताओ, सुबह उठने का मन किस किस का नहीं करता, आलसी कौन कौन है। और बाकी आज क्या करते हैं आपको बताते हैं, कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगे। जय राम जी की। पापा इतने दिन से डाइट कर रहे हैं, 7 दिन हो गए पापा, 7 दिन हो गए। ऊपर से लिखा के आए थे डाइटिशियन से, तब से अभी मम्मी ले गई है वेट मशीन, अब आएगी वेट मशीन और पापा की वो खुल जाएगी पोलम पट्टी। वजन कम हुआ या नहीं हुआ? पापा का वजन था 109 किलो, अब देखते कितना हुआ है। तो माता श्री आ गई है पापा का परीक्षा पत्र लेके, चलो देखते हैं। पहले तो तू तेरा अला, मैं तो लगा देखो, ये देखो तो मम्मी का है 62। और तेरा कितना है? उस दिन बुला जा तू, मेरा 74-400 के आसपास ही रहता है। तेरा देख 74-75 रहता है हमारा। देखो अभी हम दुलते हैं। हाँ, तो अब तेरा कितना आ रहा है? मेरे को दिख ही नहीं रहा, आगे कमजोर है। तो इसका है, देखते हैं कितना है। इसका है 74, वही पिक 74, वही है जो आसपास रहते हैं। तो यानी कि मशीन तो सही है, सही है। अब पापा के सही नहीं है। बोल गजानन जी महाराज की जय हो। वो थोड़ी करनी जा रहा है जो खुश हो गया हो रहा है मेरे तक का बोल दिया। तो पापा का है 104 किलो। मशीन गलत है, मशीन गलत है, मशीन गलत है, 4 किलो, 5 किलो, 5, 109 था, 109 किलो ही है। रुको मेरे को गिनने दो, जल्दी देख के। 1, 2, 3, 4, 4 तो ज्यादा जाएगी देख ले। 104 किलो 7 दिन में, 5 किलो, 7 दिन, 7 दिन में 5 किलो। एक तारीख को पर्ची लिखा के लाए थे, एक तारीख को का सिलता है, एक को ही लाए थे, एक को देख लिया हमने, वही एक से चालू करते थे, एक को तो आए थे, फिर अगले दिन तो आप मेमोरी वाले डॉक्टर को दिखाओ, मम्मी को मेमोरी वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। 5 किलो वजन का हुआ है, ये मशीन खराब है, मैंने इसमें अभी मेरा वजन वापस नापा तो मेरा आ रहा 72,500, इसका आ रहा 72, जबकि हमारा सेम है, इसका 74,500 और मेरा है 75 लगभग। तो वो कोई 5 किलो कम नहीं है, आप भरेगा ढाई किलो तो उसपे वापस तोड़ लेंगे, उस कांटे पे जिसमें पहले तोड़ लेते ना 109 हुआ था ना, तोड़ लो 109 ही आएगा। तो घूम के आ गया? घूम के तो आ गए, अब चाय पीने की बारी है, तो आंटी जी को बोलते चाय पिलाओ। आंटी, आंटी जी कौन है? ये जल्दी चाय पूछो आंटी जी, पड़ेंगे अभी आंटी जी हो गए मम्मी हो। और रश्मि आंटी सारा नया पिटंगा लाया ये तो। आंटी और रश्मि आंटी, आंटी तो मुक्के की मारो इसके। आंटी बोले तो मैं चाय नहीं दूं जा। तो भाई ऐसा है हाल, पागल हो गए क्या तू? राम की छोटी अंकल, राम की छोटी अंकल। तो अभिषेक को अभी पापा कह रहे थे कि मैंने 5 किलो वजन कम कर दिया। 9 दिन में 5 किलो वजन कम किया, ढाई का 5, ढाई तो काटे का गड़बड़ चल रहा है, वही छोड़ के तुलेंगे ना तब पता चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, पक्का। अभिषेक धन कही क्या, कितना कितना किलो कम करियो अंकल जी? 5 किलो, 5 किलो जेडी अंकल जी शक्ल दिख रही है तुमने हमारी। देखो क्या इस चेहरे से ऐसा लगता है कि 5 किलो वजन कम हुआ है? कम हुई है ना, तुम नरी सारी नरी सारी। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि रामदेव जी को सब डॉट ही डॉट मिलते हैं, एक डॉट ये रहा देखो। ये कल चारा लेने गया था, पूरी टाल लेने गया था, उसको अपने नंबर दे के आ गया, खुद उसके नंबर लेके नहीं आया, और आज चारा लाना है कोई अते पते नहीं। तो मतलब अब उसका इंतजार कर रहा है तू, तेरा आशिक है वो यूं है कि भौन आएगा
तब फोन करेगा वो, अरे ओ बन्ना थाने चारा दिया बिना तो मैं जी भी नहीं सकूं, से कटे वो बन्ना मारा केसरिया बन्ना केसरिया। तो ये दोनों शिकारी क्या कर रहे हैं? हम एक एप्लीकेशन पे गाय देख रहे हैं, गाय खरीदने के लिए कि नहीं कोई गाय खरीद के लेके, इसलिए देखो फोन कर करके उनको मालिकों को परेशान कर रहे हैं। कोई परेशान नहीं कर, लेके आनी है गाय तुम्हारे हैं? तो अगर किसी के पास उच्चतम अच्छी क्वालिटी की गाय हो तो इससे संपर्क करें अभिषेक से। इसके नंबर दे दे, ये रहे इसके नंबर। तो कहाँ चल रहे हम? पापा को, पापा मतलब वो कह रहे हैं कि जो वजन कम हुआ है ना 5 किलो हुआ है, हम कह रहे हैं 2.5 किलो हुआ है। अब पापा को विश्वास नहीं हो रहा तो पापा इलेक्ट्रिक कांटे पे तुलने जा रहे हैं कि हमको ये दिखा के नहीं, जिस दिन पहले उस कांटे पे तुला 109 किलो था उसी पे कांटे पे। पापा को सत्यता से प्रमाणिकता पे ला के देंगे, ला के देंगे हमारे आगे, अभी भ्रम क्लियर हो जाएगा। 2 किलो 7 दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 2.5 किलो। तो ये चले हम पापा का भ्रम दूर करने कुछ ही क्षणों में। भ्रम क्या, मेरी क्या गलती है इसमें? जिस घंटे पे आप तुम लेके आए, मम्मी लेके आए, उसमें कम हुआ। गलती आपकी नहीं, आप किसी भी चीज को दुगना बोल जाओ। अरे मैं काहे के लिए बोलूं, तुमने खुद ने वो रखना है ऐसा कैसा डालना जो पहले वर्ड थे। तो अब पापा का भ्रम दूर होने वाला है, देखते हैं। ओहो जूते वूते खोल के सब, और जूते खोल के 106 2 किलो का भ्रम था, 3 किलो ही कम हुआ। हम तो पहले ही कह रहे थे 3 किलो नहीं। हाँ हुआ जल्दी कम है, 7 दिन में कम हुआ, केवल 3 किलो है। हुआ जल्दी कम है, 3 किलो कम, मगर फिर भी वो जो 5 किलो 2 किलो भरेगा भी कांटा सब भरिए सब्जी खाने के बाद। 7 दिन में 3 किलो कम हुआ, कम है। 1 महीने में आपके हो जाएगा अगर ऐसे ही आप चले तो, कितना हो जाएगा 7 दिन के हिसाब से? 3 चौक 12 किलो देखते हो। कांटा में फरक है, 12 किलो वाली, 12 किलो वाली पापा की शक्ल दिख रही है। 7 दिन में 3 किलो वजन तो कम हुआ ना यार, 3 किलो के लिए बस यही है, इसके बाद फूस। 300 1 किलो तो मेरा ही कम हो गया। हाँ 1 किलो तो इसका ही कम हो गया, इसने कुछ नहीं किया तो ही 7 दिन में 1 किलो तो इससे 3 किलो का डिफ्लेक्शन चलता है वेट में, ये कम नहीं होता है। आपका खाना खाया हुआ होता है तो आपके 3 किलो ज्यादा आता है, और नहीं खाया हुआ होता है तो कम आता है। कुल मिला के पापा डबोल बना रहे थे, कुल मिला के पापा के कोई वेट कम नहीं हुआ। पर देखो हमारे ट्रिप से आने के बाद संजू भैया की आवाज में कितनी मधुरता आई, एक बार बोलना, बोलो राम। बोला ही तो नहीं। कितने किलो कम हुआ? 7 दिन में 3 किलो वैसे तो देखो एक अच्छी क्वांटिटी है, मगर वो बोलते ना पापा का वजन 109 किलो है तो सागर में से एक घड़ा लोटा वो भी छोटा वाला लोटा कम होना कोई कम होना वो नहीं माना जाता है। 3 किलो कम हुए भाई। तो अब चले घर पे। हाँ। चलो घर पे वापस, ये 3 किलो का सर्किल घुमाएंगे पापा का। 15 दिन में 6 किलो कम करा फिर तो फिर कहना ही क्या, 1 महीने में 12 किलो गप नहीं लग रही। 15 दिन बाद तो लगे पड़ी। 1 महीने में 12 किलो कम करने वाले योद्धा अलग होते हैं। चलो देखते पापा के 3 किलो वजन कम होने की खुशी में हम क्या खा रहे हैं। उत्तपम। उत्तपम आप खाओगे? दूध खाओगे उत्तपम की जगह भी। पापा को लग रहा है कि ये छोरा तो बेटा खावे रोज कहीं ना कहीं खावे, और हमारा ऐसे 1 किलो वजन कम हो गया। पापा ने तो करी मैं पीते खाए, पता चल गया मेरे को तुम पीते खाते हो साले चोर, पीते खाते हो उत्तपम में खाते हो। वो वाला व्लॉग देख लिया कौन सा? जिम नहीं व्लॉग देखा तुम्हारा, वो यहाँ जिम का नाम लेके पीते खाने के लिए जाते हो। अब हम मम्मी को परेशान करेंगे, देखना मम्मी। ओ मम्मी एक है कि था क्या उत्तपम बस। ओ मम्मी मम्मी ओ मम्मी एक है कि था क्या, एक है कि था क्या उत्तपम, 1 घंटे से बैठे मम्मी 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 चलाता रहता जब देखो जब बच्चा ही बैठा था। हाँ आपका तो बच्चा ही है, सीख रहा है, जब सीखे तब लाऊंगी। कहाँ जा रहा है भाई? तो कल पूनम थी मगर कल ग्रहण था तो इसलिए भगवान सत्यनारायण का पाठ हम कर नहीं पाए, तो आज करेंगे हम सत्यनारायण भगवान का पाठ। तो इसके लिए मैं लेने जा रहा हूँ फल फ्रूट, वो आप पढ़ते ना सत्यनारायण की व्रत कथा में कि नैवेद्य फल फ्रूट घी चूर्ण साठी का चूर्ण आदि लेकर पाठ करें, तो बस उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ फटाफट। तो ये चल रही है देखो सत्यनारायण पूजा की तैयारी, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। भगवान जी को नीला दूल्हा के तैयार कर दिया है,
पुष्प चढ़ा दिए, फ्रूट फल लगा दिए और बाकी प्रसाद मम्मी, बाकी प्रसाद मम्मी बना के लगा देगी। अब अपन करते हैं अग्नि सत्यनारायण भगवान की पूजा। ऊपर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। जय लक्ष्मी रमणा ओ स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। तो भगवान सत्यनारायण की पूजा के बाद एज यूजुअल हम सो गए थे, नींद आ गई थी। और अब हम जाएंगे हमारी गाड़ी थार साफ करवाने, क्योंकि पुष्कर में दोरों में बड़ी गंदी हो गई, बड़ी गंदी और अंदर से ज्यादा गंदी हुई थी, अंदर धूल धूल हो गई थी। और दूसरा इसका अभी तक सही नहीं हुआ है, तो एक और तो बॉडी को दिखाते हैं। चलो, जिसने पापा को देखा तो उसी को दिखाते। चलो चलो जल्दी चलो चलो, गाड़ी ले जा रहे दो दो। हाँ, ये ले जाएंगे, उसको थार को छोड़ेंगे वहाँ सफाई के लिए। जब तक इसका हाथ का इलाज होगा तब तक गाड़ी साफ। ओके। अरे ये पुरानी है ना, तो कई बार क्या है इसके गेट बज जाता तो सही करा था। तो चले चले चलो। ये गाड़ी साफ, और यहाँ अपन रखेंगे अपनी गाड़ी, फिर एक घंटे से आएंगे। तो इसमें रखेंगे हम इसका सामान निकाल निकुल के। बस आजा बेटा, सामान रखना। आजा तू जल्दी। हाँ, मैं तो निकालूंगा, तू रखेगा। ये क्या कर रहा है खुजली? तो अपने पाँव में चल रही है खांस, कहीं बाहर जाने का फिर बनेगा प्लान। अभी तो है, अपने घर पे पाँव टिकते क्या? ऐसा हमारा ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर सीट पे आ चुका है, ड्राइवर ऑन ड्यूटी। हमारे घर को एक वरदान मिला है, मुझ जैसा ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। और हम आ चुके हैं सेठ जी की सीट पे। तो भैया, जो लोग कह रहे थे कि इसमें और मेरे में फर्क कैसे पता करे, तो भैया मैंने पहन रखा है काला जैकेट और इसने पहन रखा है लाल टी शर्ट। अब इससे बड़ा फर्क तो क्या ही मिलेगा, बस इससे ज्यादा कोई आपको फर्क मिलेगा नहीं। और अब चलेंगे इस भोगे का हड्डी कराने। आप चलते हैं अपने कंधे पे मसाज करवाने। मसाज तो क्या मतलब, वो एक्यूप्रेशर करेंगे। तो ये आ गया है, क्या हुआ? अरे वो सोल्डर लगाई थी ना उस दिन, तो वो नस चनक गई हो। अब सही है? अब सही है, 90% फर्क है। दर्द बढ़िया एकदम? दर्द बढ़िया नहीं है, बढ़िया। तो चले अब? चलो चलो। क्या कर रहे? इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी साफ हो जाए तो लेके जाए। वैसे तो चमक तो रही है अंदर से, बाकी है जो कर रहे हैं। तो पुष्कर में जो गाड़ी गंदी हुई थी, ये देखो चमचमाट हो चुकी है पूरी, अंदर से एकदम चमक चुकी है। और हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हमसे होती नहीं है, बाहर से भी दिखाऊंगा आपको। इन भैया ने करिए, इधर दिखो भैया, इन भैया ने करिए जोरदार चमकाई है देखो गाड़ी को, पूरी हो गई चमाचम। चले घर चलो। तो देखो गाड़ी तो हो गई चकाचक साफ। हाँ, अब हम हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को लाड करेंगे। ये तो क्या है कि पूरे शाम तक बिजी रहते हैं उसमें, फिर के इनको लाड करना भूल जाते, तो इनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है ना भाई, है ना जाल। मजा आ रहा है इसमें। ये किससे कर रहा है? ये पुष्कर से ले रहा हूँ उनके लिए। तो पूरे दिन की काम चोरी के बाद आके जीएसटी बनाने बैठना ही पड़ा इसको। जिंदगी में कब से डाल रहा था इसको, 1 तारीख से डाल रहा था, गोलियां कर रहा था, मगर अब कल तो देनी है, तो इसलिए अब तो बनानी पड़ेगी। कल क्या वापस बाहर जाना है? पापा के जाने नहीं दूंगा। तो मैं तो मनाता हूँ जीएसटी। आप लोगों को इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल। जय राम जी की।